बॉलीवुड सितारे से लेकर फिल्म मेकर्स तक सभी इस वक्त इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी बनाई हुई फिल्में आखिरकार बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चल रही हैं। बीते वक्त में रिलीज हुई सभी फिल्में सिनेमा घरों में दम तोड़ती हुई नजर आई हैं। ऐसे में इंडस्ट्री का ये हाल देखकर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने एक बड़ा कदम उठाया है। फिल्म बड़े मियां और छोटे मियां में पहली बार अक्षय और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। फिल्म में जहां अक्षय बड़े मियां के रोल में नजर आएंगे, वहीं टाइगर श्रॉफ छोटे मियां के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं वासु भागनानी पूजा एंटरटेनमेंट इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म शुरुआती वक्त से लगातार चर्चा में खाई हुई थी, खास तौर पर सितारों की फीस को लेकर। मेकर्स ने इन दोनों बड़े सितारों को रिकॉर्ड प्राइस पर साइन किया था। मिली जानकारी के अनुसार इस फिल्म के लिए जहां अक्षय कुमार ने 144 करोड़ रुपए लेने थे, वहीं टाइगर श्रॉफ को 45 करोड़ रुपयों में साइन किया गया है। लेकिन इन दोनों ही सितारों की पिछली रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। हीरोपंती 2 बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने के बाद मेकर्स के लिए सितारों को इतनी बड़ी फीस देने का एक मुद्दा बन गया है। खबरों की माने तो मेकर्स ने फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने अपनी अपनी फीस को कम करने का फैसला किया है। दोनों सितारों ने अपनी फीस कम करके मेकर्स के बजट को हल्का कर दिया है। यह 2023 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो जाएगी। फिलहाल फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर काम किया जा रहा है। फरवरी में फिल्म का टीजर भी शेयर किया गया था। टीजर में अक्षय और टाइगर श्रॉफ दमदार एक्शन अवतार में नजर आ रहे थे। वहीं बात करें सनी देओल की, तो सनी देओल कुछ समय से फिल्मों से काफी दूर थे, लेकिन उन्होंने अब एक धमाकेदार कमबैक किया है। सूत्रों की माने तो पहले इनकी फीस काफी कम थी, लेकिन लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में देने की वजह से इनकी फीस में काफी इजाफा हुआ। अब जबकि इन्होंने फिर से कमबैक किया है, तो अब इन्होंने गदर और चुप फिल्म से कमबैक किया है। एक रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल ने गदर में काम करने के लिए एक भारी भरकम रकम ली है। यह रकम 7 से 8 करोड़ रुपए है, और यह रकम इनको सिर्फ फीस के तौर पर नहीं दी जाएगी, बल्कि फिल्म के मुनाफे का भी कुछ हिस्सा इनको दिया जाएगा। एक तरफ जहां बॉलीवुड के कुछ सितारे ऐसे हैं जिनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं और इसके चलते उन्होंने अपनी फीस कम कर दी है, वहीं दूसरी ओर सनी देओल हैं जिन्होंने काफी समय के बाद में बॉलीवुड में वापसी की है और वापसी के साथ ही अपनी फीस को भी बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.